स्वामी विवेकानंद। उत्तिष्ठता जाग्रता, उत्तिष्ठता जाग्रता, ये उद्बोधन था युवाओं के नाम। युवाओं उठो जागो और कार्य पर लग जाओ। उत्साह से पूर्ण ये स्वर था एक संत का, ये वाणी थी युवा संत स्वामी विवेकानंद की। तेजस्वी ओजस्वी युवा पुत्र भारत माता की, जिसने लहरा दी विश्व में परचम भारतीय संस्कृति की। मात्र एक प्रभाषण से बजा दी डंका भारतीयता की। प्रथम उद्बोधन मात्र से दे दी संदेश भाईचारे की। जीत लिया दिल सारे विश्व धर्म गुरुओं की, समस्त श्रोताओं की। विश्व मंच पर खड़ा था भारत का धर्म प्रतिनिधि। उनके संबोधन से सम्मोहित पूरा विश्व समाज मौन हो आत्मसात कर रहा था उनका हर एक वक्तव्य। प्रथम प्रभाषण में ही उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। सम्मान में युवा स्वामी के धर्म गुरुओं ने आसन छोड़ दी। सब एक साथ उठ खड़े हुए और करतल ध्वनि की। शिकागो के मंच पर था भारत से मानवता का प्रतिनिधि। परस्पर प्रतिस्पर्धा की नहीं, अपितु संदेश दी प्रेम की सौहार्द की। दिल खोल बाहें फैलाए विश्व ने स्वागत की, स्वीकार की। मुक्त कंड से हर एक अखबार ने सराहना की, प्रशंसा की। हर भारतीय ने पढ़कर गर्व से प्रसन्नता व्यक्त की। चलो वर्षों बाद इस भारती के पोत ने फिर पताका फहरा दी। समाज में व्याप्त कुरीतियों का डटकर विरोध किया। जाति पाति के भेदभाव का पुरजोर खंडन किया। विधवा विवाह के पक्षधर वो बाल विवाह का असमर्थन किया। मानव मात्र को मानवता का संदेश दिया। गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस के सिद्धांतों का अनुसरण किया।
नर सेवा नारायण सेवा का नारा दिया। प्रखर विद्वानी ने बौद्धिक क्षमता से सबको अचंभित किया। पूरे भारत सहित अन्य कई देशों का परिभ्रमण किया। भारतीय मूल्यों संस्कृति एवं विचारों का प्रचार किया। जिह्वा पर विराजती थी सरस्वती, वाणी से सबको मंत्र मुग्ध किया। वीरेश्वर महादेव की कृपा से अवतरित इस पुत्र ने अल्पायु में शरीर त्याग दिया। अल्प समय की जीवन यात्रा में अनेक असाधारण कार्य किया। अपने नामानुसृत ही इन्होंने विवेक दीप प्रज्वलित किया। ज्ञानार्जन कर्मण्यता एवं निरंतरता का मंत्र दिया। सुप्त समाज को फिर एक बार उत्साह से पूर्ण किया। आज भी युवा भारत के वे मूर्त शिल्पकार है। युवा दिलों की धड़कन है, उनका उद्बोधन उत्तिष्ठता जागृता आज सर्वत्र ही गूंजायमान है। स्वामी विवेकानंद हर भारतीय का अभिमान है। विवेक बुद्धि एवं आत्मज्ञान के इस दीपक को सदैव कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है।